बिग बॉस फेम युविका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मई में उन्होंने एक वीडियो डाला था और इस वीडियो में उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली थी। लेकिन हरियाणा के हांसी थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। तो हम आपको बता दें कि मई में जब ये वीडियो आया था तब भी युविका की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, टीका हुई थी कि वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने युविका को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। हांसी थाने में युविका से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद युविका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। युविका के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो युविका के जो वकील हैं अशोक बिश्नोई, उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मेरी क्लाइंट हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जांच में शामिल हुई थी और अब वह अंतरिम जमानत पर रिहा है। अब इस केस की सुनवाई 24 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी। तो पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला मई में सामने आया जब उन्होंने अपने पति प्रिंस नरुला के साथ एक वीडियो शेयर किया था और जिसके बाद उस वीडियो में उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और बवाल हो गया। युविका का ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत सारी जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और लोग जो है अरेस्ट युविका चौधरी उस समय भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ था। मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। प्रिंस नरुला ने भी वीडियो शेयर किया था, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी केस में उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। 24 नवंबर को अब इस केस की अगली सुनवाई होने वाली है।